two topics of this basically. We have gone through what we are saying, what we have gone to. We have gone to magnetic elements, magnetic materials. हम लोग ने उसके बाद थोड़ा सा मैग्नेटिक लॉस पढ़े. फिर हमने क्या पढ़ा, हमने उसके बाद पढ़ा अपना मैग्नेटिक लॉस के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने इसके बाद पढ़ा ईएमआई, जिसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा. ईएमआई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. और उसके बाद हमने एक छोटा सा काम करा, हमने ट्रांसफॉर्मर का एक इंट्रोडक्शन सा देख लिया, ट्रांसफॉर्मर का एक इंट्रोडक्शन देख लिया. ठीक है, आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर अमूमन हर साल आप यूपीएससी की बात करें, चाहे पीएससी की बात करें, चाहे गेट की बात करें, चाहे एकेटीयू की बात करें, हर जगह एक आध सवाल आता ही आता है. ऑल्दो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, दिस टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एग्जैक्टली और प्रिसाइजली मेंशनड इन योर सिलेबस. ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कंस्ट्रक्शन को लेके एक दो सवाल ना आए हों. छोटे छोटे लिंक्ड सवाल आएंगे ही आएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अपने उस टॉपिक का बेसिक बनाता है जहां से हम लोग सेकेंड ईयर का फाउंडेशन शुरू करते हैं. ठीक है जी, तो बात अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट करते हैं. जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन की बारे में, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें, एक आता है कोर और एक आती है वाइंडिंग. और बात सही भी है कि अगर ट्रांसफॉर्मर के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक कोर होगा और एक क्या होगी, वाइंडिंग. वेरी गुड, जरा कोर के बारे में बात करते हैं. अब किसके बारे में बात करते हैं, कोर के बारे में. कोर जो होता है, कोर का काम क्या है, कोर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, कोर को कैसा बनना होना चाहिए, सारी बातें हम लोग डील करेंगे. ठीक है जी, कोर जो होता है इसके अंदर जो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए, इसको हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग का कोर का बेसिक फंक्शन क्या है. कोर का बेसिक फंक्शन कौन बताएगा, शिवली बताओ बेटा जरा, कोर का बेसिक फंक्शन क्या है, कोर का बेसिक फंक्शन क्या है, शिवली अरुण सिंह. यस, कोर का बेसिक फंक्शन बता बच्चा. बोलो बेटा, कोर का काम क्या है. हेलो साइन, आप हो, हेलो बोलो जरा सर. हाँ बेटा बोलो. यस सर. सर इसका मेन फंक्शन सर फ्लक्स जनरेट करने का होता है. फ्लक्स जनरेट करने का नहीं होता, इसका मेन फंक्शन है मेंटेन करने का, टू एंश्योर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज बिटवीन कॉइल्स. भैया तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है. अब जो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है तो एक चीज श्योर है कि इसका काम क्या होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए टू इंश्योर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज. मतलब फ्लक्स लिंकेज को रखने के लिए दो कॉइल्स के बीच में जितना अच्छा फ्लक्स लिंकेज होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा. दूसरा एक और काम होता है, चेक करिएगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द वाइंडिंग. टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द वाइंडिंग टू द स्ट्रक्चर सॉरी. ये पूरे के इसके दो बेसिक काम है. ठीक है, जरा शुरू करते हैं, इसको समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे कहते, क्योंकि क्यों, अच्छा रिया क्यों मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज चाहिए, क्यों मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज चाहिए, रिया पाल मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज क्यों चाहिए जल्दी बताइए. फॉर गुड ईएमआई. व्हाट इज ईएमआई हियर, व्हाट इज ईएमआई हियर, कोई भी बोलो, व्हाट इज गुड, व्हाट इज ईएमआई, इट इज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट ऑब्वियसली ठीक है,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इसके बाद इसको एक और काम कर सकते हैं, इसको एक और अच्छा बात बोल सकते हैं, फॉर गुड। जरा समझिएगा, अब एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जो पिछले क्लास में हमने यूज करा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, टू फॉर गुड, इसको समझ जाएगा जितने लोग ने कल क्लास अटेंड करी है, फॉर गुड मैग्नेटिक कपलिंग। कितने लोग को ये वर्ड सही वर्ड है गलत बताओ, वर्ड जल्दी बताओ, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा तभी मैग्नेटिक कपलिंग मैक्सिमम होगी। बहुत अच्छी बात। चलो अब इस वाले इसको पकड़ना शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से क्या क्या चाहिए। अब भैया जब ये चाहिए ना, इसको चाहिए, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मटेरियल जो भी यूज करोगे, कि मटेरियल जो भी यूज कर रहोगे उसकी दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए और रिलक्टेंस जो होना चाहिए लो होना चाहिए। व्हाट इज परमेबिलिटी एंड व्हाट इज रिलक्टेंस, शुरू करो बच्चा, कौन बताएगा? व्हाट इज परमेबिलिटी एंड व्हाट इज रिलक्टेंस? परमेबिलिटी पे बात करी थी हमने, परमेबिलिटी इज कि कितना परमिनेंस या कितना परमिशन देता है, फ्लक्स को कितना पास होने देता है, और रिलक्टेंस जो होता है ये कुछ नहीं होता, इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एस का फॉर्मूला लिखते हैं एल अपॉन म्यू ए, ये चीज याद रखिएगा। मतलब सिंपल सी बात है, रिलक्टेंस कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो, इसका मतलब सिंपल सी बात, आप चाहते हो कि जो परमेबिलिटी है वो तो हायर साइड पे जाए मगर रिलक्टेंस जो है वो लो साइड पे जाए, ठीक है जी। अब रिलक्ट इसके लिए जो बेस्ट मटेरियल अपने पास आता है वो बट ऑफ कोर्स है, जो मटेरियल आते हैं वो बट ऑफ कोर्स है अपने पास, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल मैंने कल भी डिस्कस करे हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब एक काम और करते हैं, ठीक है। अब ना जनरली, अब ध्यान से समझिएगा, मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो सबसे पहले जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिलिकन स्टील। सिलिकन स्टील की परमेबिलिटी नॉर्मल स्टील से ज्यादा होती है, इसके बिकॉज सिलिकन स्टील की जो परमेबिलिटी है वो हायर साइड पर होती है। अब जब परमेबिलिटी हायर साइड पे होगी तो बट ऑफ कोर्स एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू से रिलक्टेंस कैसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर हाई तो नेट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब परमेबिलिटी हायर है और रिलक्टेंस लो है। अब जरा एक चीज और सुनिएगा, एक और मटेरियल है जो कि यूज करा जाता है स्पेशली फॉर ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं CRGO, होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्या बोलते हैं? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जब ट्रांसफॉर्मर, जब कोर बनाते हैं, जब शीट बनाते हैं, तो जब वो ठंडी हो जाती है उसके ऊपर प्रेशर से एक रोलर चला देते हैं। क्या करते हैं, जब वो शीट ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर से एक रोलर चला देते हैं। अब जब रोलर चला देते हो तो जिस डायरेक्शन में डायपोल्स अभी शिफ्ट होते हैं वो उस डायरेक्शन में फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में परमिनेंस और हाई मिलता है। अगर मैं बात करूं तो म्यू ऑफ CRGO इज हायर देन इवन म्यू ऑफ SI स्टील, तो इसकी परमेबिलिटी और हाई होती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये जो अपना ट्रांसफॉर्मर का मटेरियल है वो जनरली जो आप यूज करते हो वो CRGO ही यूज करते हो। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हो, तो सिलिकन स्टील ऑल दो गलत आंसर नहीं है, बट वो जो इंटरव्यूअर है या वो जो एग्जामिनर है वो आपसे एक वर्ड उम्मीद कर रहा है, आप क्या बोलोगे उससे? CRGO, याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। यहां तक बात पहुंच गई, अब इसके आगे एक और पॉइंट जाते हैं। अब ना CRGO के अंदर एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि इसका जो हिस्टेरेसिस बैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं एक इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है। क्या होता है, इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है। इस पतला होने का फायदा क्या है, कौन बताएगा? हिस्टेरेसिस कर्व इज वेरी नैरो, ये इसका फायदा क्या है, कौन बताएगा?
इसका फायदा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि रिटेंटिविटी और कोसर्विटी सब कम है, तो सिंपल सी बात है जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो बहुत कम होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस आर वेरी लो। यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां तक बात समझ में आई सबको? जल्दी बताओ, यहां तक बात सबको समझ में आई? ठीक है, यहां तक राशि चल रहे हम लोग साथ में हैं, ठीक है? यस सर। अब जरा इंपॉर्टेंट एक और वर्ड पकड़ते हैं, यहां तक की बात क्लियर? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विच मटेरियल विल यू रिक्वायर टू मेक द ट्रांसफॉर्मर कोर, तो आंसर क्या आना चाहिए क्लास? आंसर CRGO। इसको गड़बड़ मत करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ऐसे ही का ऐसे ही आपको इलेक्टिव्स में दिखेगा, ऑप्शंस में दिखता है। अगली चीज जो हमको थोड़ा समझने की कोशिश है कि कोर का स्ट्रक्चर बनता कैसे, कोर का स्ट्रक्चर बनता कैसे। अगर आज की क्लास और ये अपनी अगली दो तीन क्लासेस अगर आप ध्यान से समझ ले गए ना, तो आप मान के चलो ट्रांसफॉर्मर की बेसिक वर्किंग से लेकर आपको आधी से ज्यादा चीजें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं जरा कोर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कोर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक 3D फिगर बनाने की, जिससे कि वो 3D फिगर आप लोग को समझ में आता रहे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक अच्छा सा काम और करते हैं, ऐसे ठीक है। Now, does it feel like a 3D structure to all of you? Does it feel like to have a 3D structure? Yes or no? ठीक है, तो ये अपना ट्रांसफॉर्मर का मैंने क्या बना दिया, कोर ऐसे ही बनता है। शेप जनरली आपको ऐसी दिखेगी, आप बोलोगे सर इस तरफ यहाँ पर एक वाइंडिंग लपेट दो ए साइड पर, एक वाइंडिंग बी साइड पर लपेट दो, काम हो जाएगा। अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश, मैं अब आपसे सर आपका माइक म्यूट है। ओके, ठीक है क्लास, ठीक है, अब आवाज आ रही है? यस अब जरा प्लेनर एरिया की बात करो, तो प्लेनर एरिया अगर आप देखो तो ये सारा का सारा इसका प्लेनर एरिया बन रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया प्लेनर एरिया बन रहा है, प्लेनर एरिया। ओके, अच्छा ये भी एक प्लेनर एरिया बन रहा है, प्लेनर एरिया मतलब एक सॉलिड एरिया। अच्छा, अब मेरी एक बात ध्यान से बताओ कि अगर आप एक मैग्नेटिक शीट को, अगर आप एक मटेरियल की फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की शीट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आता होगा जो बार बार एग्जिस्ट करता है, बोलते हैं हम लोग एडी करंट। सुना या नहीं सुना ये वर्ड? सुना या नहीं सुना? जब भी आप एक प्लेनर सरफेस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर स्मॉल इलेक्ट्रिकल लूप्स करंट के एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक अलग से लॉसेस होते हैं। याद है या नहीं याद है? ठीक है, सही बात है गलत बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। ठीक है, यस सर। तो करते क्या है, हाँ, तो अब ना ये प्लेनर एरिया जो येलो पोर्शन से मैंने हाईलाइट किया है, जब ये मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एग्जिस्ट करेगा तो इसके अंदर भी एडी करंट हाई हो जाएगा, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ये तो इसके अंदर भी एडी करंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा भैया? जब आप इसके ऊपर वाइंडिंग लगाओगे ए साइड पे या बी साइड पर और उसको इंचार्ज करोगे या उसको एक्साइट करोगे, तो इस वाले कोर में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी,
इस वाले कोर में जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या होगा, इसके अंदर भी एडी करंट हो जाएगा, हाँ या ना, बात सही है गलत? तो इस एरिया को अब कॉन्टिन्यूटी तोड़ने के लिए क्या करते हो, इस एरिया की कॉन्टिन्यूटी तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, इसको ना ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये स्ट्रक्चर एक सा ना बना के पतली पतली लेयर्स का बनाते हो। इस स्ट्रक्चर कैसा बनाते हो, पतली पतली लेयर्स का बनाते हो। ये पतली पतली लेयर्स का बनाते हो जिसकी वजह से क्या होता है, एडी राखी आवाज आ रही है बच्चा? ठीक है, these thin sheet of lamination, these thin sheet of metal are known as very important word, इनको बोलते हैं हम लैमिनेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, लैमिनेशन। ठीक है, तो समझिएगा जरा स्ट्रक्चर, अब समझते हुए चलिए। सर आवाज नहीं आ रही। Then they are riveted together. Riveted का मतलब क्या होता है, आपने पतली पतली शीटें ली खूब सारी और उसके ऊपर आपने क्या करा, चारों कोनों पर आपने यहाँ पर एक स्क्रू डाला, यहाँ पर एक स्क्रू डाला, यहाँ पर एक स्क्रू डाला और यहाँ पर एक स्क्रू डाला और सबको एक साथ जोड़ दिया। तो नेट जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, 3D के 3D टर्म में दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जितने लोगों मेरे साथ फर्स्ट ईयर की लैब में जाके, मशीन लैब में जाके ट्रांसफार्मर देखा था वो जानते थे, उन्होंने देखा था कि उसके कोनों पर हम लोगों ने बड़े बड़े नट्स रखे हुए थे, याद है नहीं, याद है, ट्रांसफार्मर के कोनों पर बड़े बड़े नट्स लगे हुए थे, वो इसीलिए लगे हुए थे क्योंकि अगर वो नहीं लगे होंगे तो जो हम लोग का स्ट्रक्चर था वो सही तरह से कोर की शॉप फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो रिविटेड टुगेदर करता क्या है, पतली पतली शीटें लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशन, और देन दे आर रिविटेड टुगेदर। क्लास यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, जल्दी बताओ। जी सर। ठीक है, अच्छा अब इम्पोर्टेंट बात समझना, ये जो लेमिनेशन होती है ना, ये जो लेमिनेशन होते हैं इनके बीच में, इनके बिटवीन देम कुछ मटेरियल प्लेस करे जाते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि अगर ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट हो गए, इफ कनेक्टेड फिजिकली अगर आपस में जाके चिपक गए तो क्या होगा, एडी करंट को पाथ मिल जाएगा, विल प्रोवाइड पाथ टू एडी करंट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन लेमिनेशन के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन। ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेमिनेशन के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो मटेरियल जनरली यूज करते हैं हम लोग लेमिनेशन के बीच में यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल जो हमको मिलता है, याद रखिएगा अब मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, पहला जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वार्निश, दूसरा मटेरियल जो यूज करते हैं हम लोग इम्प्रेग्नेटेड पेपर, मतलब एक परफोरेटेड पेपर होता है मोटा सा, उसको यूज करते हैं। और इसके अलावा एक और मटेरियल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्साइड पेंट, वही पेंट होता है
जो कि जनरली मेटल पे लगाते हैं, लाल रंग का पेंट होता है जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती। ये वाला इसके साथ एक और जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं चाइना क्ले। ऑल्दो चाइना क्ले इज सेल्डमली यूज बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्टिंग एंड अवेलेबिलिटी, ऑल्दो ये तीनों चीजें हैं जो आपकी वार्निश है, इम्प्रेगनेटेड पेपर और ऑक्साइड पेंट है, ये कॉमनली यूज करे जाते हैं। अच्छा, ये क्यों किए जाते हैं? अब क्वेश्चन अगर अराइज होता है, व्हाई द लेमिनेशंस आर कोटेड विद वार्निश बिफोर रिविटिंग टुगेदर, तो आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। क्लास आइसोलेशन, इंसुलेशन, आइसोलेशन नहीं, वर्ड क्या बेटा? आइसोलेशन वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है? इंसुलेशन, टू प्रोवाइड इंसुलेशन, टू प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम अदर लेमिनेशन, अदरवाइज इफ कनेक्टेड फिजिकली दे विल प्रोवाइड पाथ टू एडी करेंट, दे विल प्रोवाइड पाथ टू एडी करेंट एंड विल इंक्रीज एडी करेंट लॉसेज। ध्यान से समझना, अगर एक लेमिनेशन दूसरे से जाके चिपक गया तो फिजिकली कनेक्ट हो गया, फिजिकली कनेक्ट हुआ तो एडी करेंट को पाथ मिल गया, जिसकी वजह से क्या होगा? एडी करेंट लॉसेज, जिसको हम आज PE बताएंगे, एडी करेंट लॉसेज बढ़ जाएंगे। तो इस एडी करेंट लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि इंसुलेशन, सॉरी लेमिनेशन में आपस में फिजिकल कनेक्शन ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन प्रोवाइड करने के चार मटेरियल मैंने आपको बताए हैं, वार्निश है, इम्प्रेगनेटेड पेपर है, ऑक्साइड पेंट है और चाइना क्ले है। कॉमनली यूज ये दोनों हैं। और सबसे अगर आप बात करते हो कि सर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा वार्निश, यही यूज करते हैं सबसे ज्यादा। याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, जब इनको टाइट करते हैं ना, जब ये रिवेटिंग करते हैं, जब ये रिवेटिंग करते हैं, तो रिवेटिंग हमारी बहुत टाइट होना चाहिए। रिवेटिंग टाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर लूज रहेगी तो उसके बीच में एयर आ जाएगी। रिवेटिंग लूज रहेगी तो बीच में क्या आ जाएगी? एयर। अच्छा, एयर आने से क्या नुकसान है, कौन बताएगा? एयर आने से क्या नुकसान है, जल्दी बताओ, एयर आने से क्या नुकसान है? मॉइस्चर आ जाएगा सर। मॉइस्चर आ जाएगा, चलो एक अच्छा ऑप्शन है। और बताओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कोर के दो काम थे, कोर के दो काम थे, क्या काम थे? कि मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज इंश्योर करना था। मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज के लिए परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, रिलक्टेंस लो होना चाहिए। और जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी मटेरियल की, हमने उस वाली क्लास में बताया था कि जो मटेरियल है, जो आयरन है, उसकी परमेबिलिटी एयर से ज्यादा होती है। याद है या नहीं याद है? रिया पाल, आप क्लास में थे उस वाली क्लास में, तो मैंने ये बात बोली थी, नहीं बोली थी? जल्दी बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर परमेबिलिटी, अगर एयर आती है तो परमेबिलिटी रिड्यूस हुई। अब जरा चेक करिएगा, एस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए। अगर परमेबिलिटी रिड्यूस हो रही तो रिलक्टेंस, जल्दी बताओ कौन बोलेगा? जल्दी बताओ, कोई भी बोलो। अगर परमेबिलिटी, रिलक्टेंस हाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर के आने से पाथ का रिलक्टेंस जो है वो हाई हो जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज आना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही चल रही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बिल्कुल इत्मीनान से एक बात और सुनिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कोर के बारे में, बातें हो गई, अब जरा बात करते हैं वाइंडिंग के बारे में। वाइंडिंग किसकी बनी होती है? नहीं बेटे, वाइंडिंग का स्ट्रक्चर किसका है? कॉपर। बताए वाइंडिंग, हाँ कॉपर, कॉपर की बनी होती है। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूं कि मैंने ऐसे ले लिया, जो कि कॉमन स्ट्रक्चर सबसे कॉमन लेके चलते हैं, ये वाला हम लोग जो हमेशा लेके चलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। हमने बोला कि इसके ऊपर वाइंडिंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वाइंडिंग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आज तक ऐसे से। मगर अगर ये बताओ, अच्छा ये कोर किसका बना है? कोर किसका बनता है? कोर बनता है आयरन का,
भैया स्टील है या कुछ भी है तो लोहा ही ना, गलत बात तो नहीं, गलत बात तो नहीं है, बताइए मुझे दोस्तों ये बात, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि जो कोर है वो आयरन का बना होता है, सही बात गलत बात जल्दी बताओ। अगर आयरन का बना है तो ये तो हमें पता है ना, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है। इलेक्ट्रिकली कैसा मटेरियल है? कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अच्छा ये बताओ तो क्या हम वाइंडिंग सीधा कोर पे लपेट सकते हैं? क्या हम वाइंडिंग सीधा कोर पे लपेट सकते हैं? जल्दी बताओ। अगर सीधा हम आयरन पाथ के ऊपर, आयरन के ऊपर हम वाइंडिंग लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम सीधा वाइंडिंग के ऊपर आयरन लपेट, सॉरी कोर आयरन के ऊपर वाइंडिंग लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा? सारी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएगी भाई। यस कि नो? जल्दी बताओ। ठीक है, तो कभी भी वाइंडिंग डायरेक्टली नहीं, कभी भी वाइंडिंग डायरेक्टली नहीं लपेटते। इसके लिए करते क्या है, कोर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं। कोर के ऊपर क्या लगाते हो? इंसुलेटिंग मटेरियल, वार्निश। नहीं, कोर का देखो, कोर वाला जब आप कोर के अंदर लगाना इंसुलेटिंग मटेरियल वो अलग बात है। तो जब इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे कौन सा लगता है, जो सबसे कॉमनली यूज होता है इंसुलेटिंग, वो यहाँ पे यूज होता है इंप्रेग्नेटेड पेपर, और दूसरा यूज होता है कार्डबोर्ड। यही यूज होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखो वाइंडिंग कोर से ना टच करे, उसके लिए भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हो। और उस तरह के दो होते हैं, एक होता है इंप्रेग्नेटेड पेपर और दूसरा होता है आपका कार्डबोर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ? तो कोई समस्या तो नहीं? जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, अब अच्छी बात सुनो, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज या वोल्टेज रेंज ऑफ इक्विपमेंट क्या होगी। ये डिसाइड करते हैं कि वोल्टेज रेंज ऑफ इक्विपमेंट क्या होगी, यही डिसाइड करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। गलत बात तो नहीं, इस बात को याद रखना, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही ज्यादा वोल्टेज होती है। और वो हमने कल देखा भी था कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो मैं सीधी सीधी बात बोल सकता हूँ यहाँ से, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 एंड V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। कल भी तो ये बात करी थी मैंने लास्ट में। सही बात है, यहाँ तक बात सही है या गलत है? जल्दी बताइए, यहाँ तक बात सही है गलत है? ठीक है, अच्छा अब इंसुलेशन जो प्रोवाइड करोगे, इंसुलेशन जो प्रोवाइड करोगे वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जहां HV कंडीशन है, जहां हायर वोल्टेज है, वहां पे हाई इंसुलेशन देना पड़ेगा, और जहां पे लो वोल्टेज है वहां पे लो इंसुलेशन देना पड़ेगा। खत्म बात, कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब कि जहां हाई वोल्टेज वायरिंग है वहां पर तुमको ज्यादा इंसुलेशन देना पड़ेगा, और जो वहां पे लो वोल्टेज वायरिंग है वहां पे तुम्हें लो इंसुलेशन देना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताइए बच्चों। yes. ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोर, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला? डिपेंडिंग अपॉन कोर स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन कोर स्ट्रक्चर, जो डिपेंडिंग अपॉन कोर स्ट्रक्चर, ये जो अपना काम है, क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मर दो तरीके का बनाया गया। डिपेंडिंग अपॉन कोर स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मर दो तरीके के बोले गए, जो क्लासिफिकेशन आया वो दो तरीके का आया। इसमें पहला नाम जो आया उसे हमने बोला कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, और जो दूसरा नाम बोला वो बोला शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो डिपेंडिंग अपॉन कोर स्ट्रक्चर, कोर का शेप कैसा है, कोर माने क्या, वो जो जो आयरन का पाथ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमने दो क्लासिफाई करके टाइप कर दिया कौन कौन सा, एक बनाया कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और एक बनाया शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो जरा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन आज करूंगा,
शेल टाइप को टाइम कम है। जनरली हम लोग जिस तरीके के ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना बच्चों, जनरली हम लोग जिस ट्रांसफार्मर की बात जो स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं हम हमेशा, वही जो हमारा है वो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। मगर अब यहाँ पे छोटा सा मैं अंतर बताऊंगा, ध्यान से समझते हो चलिएगा, गड़बड़ मत करना उस चीज को। ठीक है, अब जरा समझिएगा, हम लोग जनरली कहते हैं कि भैया यहाँ पर अगर ए साइड ये है, इसको मैं बोलता हूँ अगर ए साइड है तो ए साइड पर एलवी डाल दो और बी साइड पर एचवी डाल दो या उसको उल्टा कर दो। ऐसा नहीं होता, वाइंडिंग कभी भी ऐसी नहीं चलती। वाइंडिंग कैसे चलती है अब ये देखिए, वाइंडिंग जो चलती, म्यूट रहिए प्लीज, वाइंडिंग जो चलती कैसी चलती है, यहाँ पर मैं ना रेक्टेंगुलर शो कर रहा हूँ वाइंडिंग से, मैं वाइंडिंग लपेट के नहीं दिखा रहा हूँ, वाइंडिंग ऐसी चलती है। ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे और ऐसे, जनरली इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे। ठीक है, अब जरा समझते हुए चलिएगा, ये जो रेड पोर्शन है जो मैंने मेंशन करा है, ये जो रेड पोर्शन है ये मेरी एलवी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? एलवी। एलवी माने क्या हुआ राशि? ये मेरी एलवी वाइंडिंग है। एलवी वाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? लो वोल्टेज, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ठीक है, और ये जो मेरी हरी वाला पोर्शन, हरा वाला पोर्शन है, ये कौन सी वाइंडिंग हो गया? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब यहाँ तो ये एक अलग बात कर दी सर आपने, अभी तक तो आप एलवी एचवी अलग अलग बनाते हुए चल रहे थे, मगर अब आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने दोनों तरफ एलवी एचवी बना के रख दी। तो आप जरा समझते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक तरफ और सेकेंडरी एक तरफ आती है, दोनों ही दोनों तरफ आएंगी, दोनों ही दोनों तरफ आएंगी। अब जरा समझते हुए चलिएगा, सपोज अब समझिएगा, और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं जो कि मैं मिस ना कर जाऊं, ये जो भी गैप मैं शो कर रहा हूं, ये येलो वाला पोर्शन जो भी गैप मैं शो कर रहा हूं, ये जो गैप है ये इंटेंशनल गैप है, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, ये क्या होगा कौन बताएगा, ये क्या होगा, ये गैप क्यों दे रहा हूं? इंसुलेशन। कौन बोला ये बात? इंसुलेशन। सुमित बिल्कुल सही आंसर है, ये जो येलो पोर्शन मैं आपको मार्क कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए क्या क्या यूज करते हो जल्दी बताओ, इंसुलेशन के लिए क्या क्या यूज करते हो जल्दी बताओ, मैंने अभी ऊपर मटेरियल का नाम बताया, कार्डबोर्ड। नहीं, कार्डबोर्ड बेटा वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन में वार्निश यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये पोर्शन कौन सा है आपका? इंसुलेशन, इंप्रेग्नेटेड पेपर एंड कार्डबोर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सपोज नाउ, अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर सपोज एलवी वाइंडिंग के अंदर 100 टर्न है, कितने टर्न है? 100 टर्न है, तो 50 ए साइड पे जाएंगे और 50 बी साइड पे जाएंगे, और 50 बी साइड पे जाएंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ईच लेग, व्हेन आई एम सेइंग दिस वर्ड लेग, तो मैं इस पोर्शन को लेग बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? लेग। क्या बोलूंगा अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से बताइएगा, इसको मैं सोच, इसको मैं बोल रहा हूं, ये अब कुछ नहीं है, ये क्या है? लेग। तो ईच लेग विल हैव n by 2 turns. अगर टोटल turns n है, अगर टोटल नंबर ऑफ turns n है, तो ईच लेग विल हैव n by 2 turns. कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आ तक बच्चों? क्लास नहीं सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम आपको और डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।